इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। ध्यान से सुने और आप स्वयं निर्णय लें। नहीं, वो वाला पेज भी दिखा दीजिए। और वो पेज हमने नहीं लिखा, वो पता है किसने लिखा है? वो पेज लिखा है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी बेटी ने लिखा है, जो हिस्ट्री की प्रोफेसर है, उपिंदर सिंह। ये वाला बताइए, ये क्या चीज है? हाँ, ये परोला से मिला है। परोला कहाँ पर है? ये देहरादून के पास में, उत्तराखंड में। और ये सेन चिति है, एक यज्ञ होता है, उसमें सेन आकार की यज्ञ वेदी बनाई जाती है, फिर यज्ञ किया जाता है। और इसका लक्ष्य होता है शत्रु नाश के लिए यज्ञ करना। तो ये सेन चिति मिली है, ये 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक के बीच की मानी गई है, और परोला से प्राप्त हुई है। और दिखाई जाए जी, ये थोड़े से मतलब मंद बुद्धि के हैं, तो इनको ये समझाइए कि ये चीज है क्या असल में। ये तो पता चल गया कि इस समय प्राप्त हुई है, यहाँ मिली है, इस पे कोई सवाल है सर आपका? नहीं, वो बात तो मैं पूरी सबूत मानता हूँ। नहीं, बताइए। नहीं, ये समझ में आया, ये क्या चीज है? हाँ, वो आप बोल रहे हैं, वो नहीं, नटराज जी देखिए, अभी इस बच्चे का शंका देखिए। बच्चा कह रहा है कि व्हाट्सएप पे आप दिखा रहे हैं। अरे ये व्हाट्सएप नहीं दिखा रहे, ये उस पेज का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा और मैं वो चीज दिखा रहा हूँ। अब तुम ये मत बोलना कि व्हाट्सएप दिखा रहे हैं। बन रहा है, बन रहा है। आदमी यार, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। तुम यार मतलब भाई खुली आंखों से तुमको रेफरेंस दिया जा रहा है। तुम्हें ये साफ साफ पता है कि हम बुक का नाम भी दे रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना मेरे भाई, तो तुम जाओ क्रॉस वेरीफाई करो, और हम जो रेफरेंस दिखा रहे हैं ना, उस रेफरेंस को तुम गलत साबित करके दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर गुदा है तो। चलिए नटराज, इसके बाद वाला बताइए क्या है, फिर इनको हम रामायण भी दिखानी है भाई साहब को, बेचारे बड़े परेशान हैं जी। ये हो गया, ये बताइए सर क्या है? इसको पेज को करिए, और ये बुक है, और ये लिखिए जो मनमोहन सिंह है, जानते हो ना मनमोहन सिंह, वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी बेटी द्वारा ये किताब है ये। हाँ, तो इसमें ऊपर का दिखाइए क्या लिखती है ये। वो सिख है वो ना? क्लियर कर रहा था, नहीं वो इतिहासकार है। और कितने मनमोहन आए हैं, और कितने मनमोहन आए हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी बेटी की बुक है। नटराज जी बताइए ना इसके बारे में, बताइए। हाँ, इसको जूम कीजिए और यहाँ से पढ़िए, प्रारंभिक हिंदू मंदिर और प्रतिमा। नहीं, इससे ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा मैं, ये जूम ही है। हाँ, ये लिखा है। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक हिंदू मंदिर और पुरातात्विक साक्ष्य अधिकांशतः इन मंदिरों की भूमि योजन के रूप में उपलब्ध है, उनका ऊपरी ढांचा उपलब्ध नहीं है। द्वितीय शताब्दी पूर्व को विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित होलियोडोरस का एक स्तंभ विष्णु स्तंभ के परिसर में अवस्थित है। इस विष्णु मंदिर की तिथि 3री शताब्दी ईसा पूर्व तय की गई है। इस मंदिर का भीतरी दीर्घ वृत्त 8.10x3 मीटर और उसके बाहरी दीर्घ वृत्त से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। बाहरी ये उसका माप दिया गया है। आगे पढ़ लेते हैं। इसी यहां लिखा है कि इसी प्रकार की दो अन्य दीर्घ वृत्ताकार संरचनाएं मध्य भारत के दंगवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं, जो लगभग उस काल की हैं। इनमें एक का पदांग खंड पत्थर के रोड़े से बनाया गया है। मिट्टी से प्राप्त हुए मोहर उत्कीर्ण अभिलेख से पता चलता है कि यह शिव मंदिर रहा होगा। दूसरे मंदिर का प्लीट मिट्टी का बना था। एक अन्य उत्कीर्ण मोहर के आधार पर इसके विष्णु मंदिर होने का पता चलता है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित आधुनिक नगरी में माध्यमिक नाम की प्राचीन नगरी स्थित थी। यहाँ से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आधार पर जानकारी।
इसी का अभिलेख दिखाया है। हाँ, ये वाला जो अभिलेख था ना, ये जिस मंदिर के बारे में उल्लेख किया गया है, शिव और विष्णु के मंदिर के बारे में, तो ये अभिलेख वही अभिलेख है। मेरे बाबू मेरे सोना, ये उसी मंदिर के परिपेक्ष में जो अभिलेख है, इस पे ये लिखा हुआ है कि विष्णु के या उनके मंदिर बनाए जाए। और ये जो आधार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तुम अभी आर्कियोलॉजी की बात कर रहे थे, भारत सरकार की बात कर रहे थे, तो मनमोहन सिंह जी हमारे भारत में सरकार चला चुके हैं, ये उनकी बिटिया ने किताब लिखा है, और उनकी बिटिया ने अपने किताब में जो रेफरेंस दिया है उसके आधार पर हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बाबू मेरे लेखक है क्या, वो लेखक इतिहासकार, बहुत बड़ी इतिहासकार है, इतिहासकार है ये। क्या विदिशा मंदिर का नष्ट हो चुका है, तो उसके नष्ट अभिषेक आधार पर ग्राफिक्स करके डिजाइन बनाइए कि वो कैसा था, तो इस साइड में डिजाइन भी होती। अब दर्शकों के सामने मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अपनी बात रखना चाहूंगा। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बोलते हैं ना कि हाँ ये स्तूप जैसी कोई भी चीज देखते हैं तो इनके मुंह में बस यही रहता है, ये हमारा हमारा है। लेकिन ये देख लीजिए, ये जो मंदिर बना हुआ है, अगर आप इसके प्रारंभिक, चूंकि वो तो मंदिर जो है वो नष्ट प्राय है, लेकिन उसकी डिजाइन, उसके आर्किटेक्ट तैयार किए गए, उसकी डिजाइन तैयार करने पर ये पता चला कि इसकी संरचना इस तरह की तैयार होती है। तो इसकी संरचना के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो हिंदू मंदिर है, लेकिन इसकी जो निर्मिति की गई है, अगर आप सामान्यता अगर कम जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलेगा ये तो बिहार था। और 90% ये जो नौबौद्ध हैं, इसी कंफ्यूजन में ये हर मंदिर, प्राचीन मंदिर को भी ये बौद्ध विहार बोल देते हैं और टप से आके मुंह उठा लेते हैं, जबकि इनको ये पता ही नहीं है कि प्राचीन मंदिरों की वास्तु शैली कैसी है, वास्तुकला कैसी थी। स्तूप बनाना भी इन्होंने चोरी किया है, कॉपी मारा है दूसरों से, और उसके बाद से भी सीना जोरी ये है। हम साक्ष्य को दिखा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर भी इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। चलिए और चीजें दिखाइए। और ये देखो बच्चा, ये देखो, ये मूर्ति देखो, ये मथुरा से प्राप्त है और लखनऊ संग्रहालय में 200 ईसा पूर्व पुरानी बलराम की मूर्ति गई। इनको पहचानते हो, ये कौन है, इनको पहचानते हो? ये पता नहीं कौन है वो। पढ़ोगे जरा, पढ़ो तो जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो। जूम नहीं हो रहा है भैया, मैं पहली बार आया हूं, जूम कैसे करता है? मैं जूम करता हूं। ये देखो, ये देखो, ये क्या लिखा है जरा पढ़ना, पढ़ो तो जरा। ये योग मुद्रा में, चाय चाय चुम युगंद्र मुद्रा में। पढ़ो नीचे क्या लिखा है। बोधिचव भारतीय पुरातत्व विभाग के सौजन्य से वज्र सत्य युग नद्र डॉक्टर विनयो विनयतोष भट्टाचार्य के सौजन्य से। जी अब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बौद्धों की वज्रयान शाखा के अंतर्गत ये बनी हुई प्रतिमा है, और इस प्रतिमा में, ठीक है, बुद्ध है और एक इनके साथ एक देवी है इनकी, ये दोनों आलिंगनबद्ध मुद्रा में हैं, ठीक है, और ये बोधिसत्व हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग के सौजन्य से ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये वज्रयान शाखा के अंतर्गत देवी भी आती थी, देवी भी आती थी, झाड़फूक भी होता था, भूत भी आते थे, आत्मा भी आती थी, सब कुछ होता था, जो आप अभी बोल रहे थे ना कि देवी आ जाती है, बकरी की बलि चढ़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो बात है। देखो, हाँ तो ये अब देखो, ये धर्म ऐसा नहीं है जिसमें पाखंड नहीं है। कुशवाजी, भूत प्रेत आना तो त्रिपिटकों में भी लिखा है, सिर पर भूत आना, सुनो जी नटराज जी, जरा वो भी दिखाइए इनको, वो देवता आना और बुद्ध का देवता बुला करके और बुद्ध को ना मानने वालों का सर फुड़वाना, ये सब कुछ त्रिपिटक में लिखा हुआ है। अगर कहोगे तो वो भी दिखा दूंगा। सुअर का खून पीने से भूत भाग जाता है, ये भी लिखा हुआ है तुम्हारे त्रिपिटक में, ठीक है। सुनो ना, अभी अभी चल रही है, अभी ये जो हिंदू समाज में ये सब अंधविश्वास चल रहा है वो उसकी कॉपी चल रही है, आप ऐसा बोल रहे हैं, उसके प्रभावित होकर ये सब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अंधविश्वास पाखंड के जन्म जाता तो यही है ना, सीधी सी बात है। तो उनसे ही सीखे ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, उन्होंने, उन्हीं से सीखा है लोगों ने। ठीक है, तो ये जो हिंदू धर्म में ये सब मिक्स हो गया, ये सब ये भी जो माता आती है, सारे सारे धानों को काट देते हैं, बिल्कुल मिक्स होगा। जैसे अब मिक्स हो गया, अभी देखो क्या क्या मिक्स हुआ है, अभी देखो मिक्स तो बहुत कुछ हो गया, हमारी संस्कृति को भी चुरा लिया इन लोगों ने। अभी देखो एक मिक्सअप और बताता हूँ, एक मस्त मिक्सअप बताता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे आजकल ये हल्ला मचाया जा रहा है कि इस शिवलिंग पर ये बुद्ध मिल गए, इस शिवलिंग पर वो बुद्ध मिल गए, ब्राह्मणों ने बुद्ध की प्रतिमाओं को इस शिवलिंग में बदल दिया, जबकि प्रमाण ये कहते हैं कि बुद्ध की पैदाइश से पहले, यानी कि बुद्ध की मूर्तियों की पैदाइश से पहले ही शिवलिंग इस देश में प्राप्त होते हैं, यानी कि शिवलिंग जो है वो बुद्ध की मूर्ति बनने से
कई सौ वर्ष पहले अपने हजारों वर्ष पहले के प्राप्त होते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि शिवलिंग बनाने की जो परंपरा है, शिवलिंग बनाने की जो परंपरा है वो भारतीयों में बुद्ध से पहले विद्यमान थी। बात ही है ना सिर्फ, सबूत तो है नहीं ऐसा कुछ। आप जी सबूत दिखा रहे हैं, आपको सबूत दिखा रहे हैं बच्चा। तो वो पहले बताते थे 1200 साल का, आपने बता दिया वो 2200 साल का बता दिया, शिवलिंग बता देते बुद्ध से पहले का, यार क्या आप भी? नहीं तो रुको ना, मैं दिखा रहा हूँ आप बहुत ही सबूत के सारे वो आपने वो क्या झाड़ दिए हैं अलग अलग, मिलते बहुत आपको लेट है। अभी इससे पहले आपने 2200 साल का वो लिखा हुआ बताया वो ब्राह्मी लिपि का, अब ये शिवलिंग आप बता रहे बुद्ध से पहले का। नहीं तो बता रहे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं बताइए, नहीं कोई बात नहीं, बुद्ध की मूर्तियों से पहले का। बुद्ध का जो काल माना गया है वो 500 ईसा पूर्व माना गया है, माना गया है, सबूत नहीं मिला है, आर्कियोलॉजिकल नहीं मिली, लेकिन जो मूर्तियां मिलती है वो कब मिलती है? 100 AD की। तो मूर्तियां बनने से पहले का शिवलिंग है ना, ये चीज ध्यान रखा करो क्या बोला जा रहा है। ये एक शिवलिंग है, ये बीटा सत्तुआ सर जॉन मार्शल ने प्राप्त किया था और 200 ईसा पूर्व पुराना है, यानी बुद्ध की मूर्तियों से 300 साल पुराना। इस पे लिंग भी बना हुआ है, लिंग दिखा दी। मैं लिंग इनको दिखाऊंगा अभी, अभी मैं लिंग दिखाने से डर रहा हूँ, कहीं पता चले ये उसी बैठ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो ये लोग अपने आराध्यों को उसी पे बैठा रहे हैं। अभी सुनो ह्यूमैनिटी जी, आप तो ये क्लेम कर रहे हो कि भाई क्या नाम है वो बुद्ध की मूर्तियां जो हैं वो शिवलिंग पर बना दी गई हैं और बुद्ध से इंस्पायर होकर के, यानी कि स्तूपों से इंस्पायर होकर के शिवलिंग की स्थापना की गई थी। जबकि यहाँ पे हमने आपको ये जो रेफरेंस हम आपके सामने रख रहे हैं ये देख सकते हैं, इसमें भी देखिए मुखाकृति बनी हुई है, ये देखिए, और ये बुद्ध नहीं है, और ये देखिए इस पर ये भी देख सकते हैं आप, ये लिंग भी बना हुआ है, और ये आप देख सकते हैं ये कितना प्राचीन है, यानी कि बुद्ध से, बुद्ध की जो मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी कनिष्क के काल में, उससे 300, मैं सही हूं ना नटराज जी? जी बिल्कुल, कनिष्क से 300 ईसा वर्ष है या वर्ष पूर्व है? 300 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व जो है इस तरह के शिवलिंग बनाए जाते थे भारत। पंचमुख लिंग है बीटा उत्तर प्रदेश, और इस पर देखो, और इस पर शिव का प्रतीक यानी शिव का मुख भी बना हुआ है, ठीक है। तो अब तुमने यहां से चोरी मारी, शिव के मुख की जगह पर तुमने बुद्ध का मुख चिपका दिया शिव जी के लिंग पर, और उसके बाद से तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे स्तूपों से हमने नकल मारी है। तुम्हारे बुद्ध की मूर्तियां बनने से पहले जब हिंदुओं के पास ये साक्ष्य अवेलेबल है कि भाई शिव के पंचमुखी शिवलिंग बनाए जाते थे बुद्ध की मूर्ति के अस्तित्व में आने से पहले, तो चोर कौन है ये साफ साफ पता चल जाता है। और तुम लोग ये दावा आज तक ठोक रहे हो, कह रहे हो कि जो भी बौद्ध स्तूप खुदवा लो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। खुदवाओ तो सही, हम किस दिन काम आएंगे? खुदवाओ, हाँ भाई मेरे को नहीं, अभी और निकालूंगा नहीं भाई, बता भाई क्या जरूरत थी शिव जी के लिंग पर, ये तुम किसको बैठाने की कोशिश कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो, हाँ बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये बोल रहे कि शिवलिंग है तो मान लेते हैं, क्योंकि अभी ये ऐसे ही बनते हैं। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ सर, ये जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है ना, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जॉन मार्शल ने इसमें अभिलेख, जिसपे लिंगो लिखा है, इस पर अभिलेख भी है, और इस पर बुद्धो नहीं लिखा, इस पर लिंगो लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारे तो यहाँ पे चौपट हो गई ना। हाँ तो अभी मेरे को बताओ, जब आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहे हो, आप प्रूफ की बात कर रहे थे, आप एविडेंसेस की बात कर रहे थे, तो मेरे को बात बताओ भाई, तुम्हारे बुद्ध की मूर्ति बनने से 300 वर्ष पूर्व ही जब हमारे पास भगवान शिव के पूज्य होने के प्रमाण मिल रहे हैं, शिव के प्रतीक चिन्हों के प्रमाण मिल रहे हैं, तो तुम किस मुंह से तुम लोग आकर ये बोलते हो कि भाई तुम लोग सबसे प्राचीन हो? ये कौन सी वेबसाइट पर है, कहाँ पर है ये फोटो, कहाँ पर है? फिर ये वेबसाइट की बात कर रहा है, अरे भाई ये आपने तो फोटो भी बताया मुझे, ये कहाँ से लिया? लखनऊ म्यूजियम में जाइए, लखनऊ म्यूजियम, अरे बाबू पढ़ रहा है क्या लिखा हुआ है, पढ़ रहा है क्या लिखा हुआ है? मैं कब से एड्रेस मांग रहा था कि ये कहाँ पर लिखा हुआ, क्या ये सुनो, देखो पीएल नंबर 1 पर लखनऊ म्यूजियम, सबूत भी छेड़छाड़ वाला बता रहे हैं, स्टेट म्यूजियम बताया, वो भी छेड़छाड़ वाला बताया, स्टेट म्यूजियम लखनऊ।
आपने सबूत बताया वो भी छेड़छाड़ वाला बताया क्या यार? अरे अपना सिंगल सबूत नहीं बता पा रहे हो आप, क्या छेड़छाड़ है इसमें? वो आप खुद बोल रहे हो, आप खुद बोल रहे हो किस पर ये लगा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, चढ़ा दिया इस पे। नटराजी रुको, आप बोल रहे हाइपर मत होना, नटराजी हाइपर मत होना, रुको मैं इसको समझाता हूँ। रे मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बबुआ, ये जो दिखाया गया है ना, ये जो शिवलिंग आप पूछ रहे हो कि ये कहाँ पर है, तो मेरे बाबू ये आज भी विद्यमान है, ये लखनऊ जो है म्यूजियम में रखा हुआ है, ACC नंबर इसका H.4 है, ये फोटोग्राफी, ये ऑलरेडी ये म्यूजियम लखनऊ में रखा हुआ है, तुमको जाके देखना चाहिए ना इसके बारे में। तुम पूछ रहे थे ना कहाँ जाकर देखूं, जब तुम आए थे पहले पहले तो तुम हमसे यही पूछ रहे थे ना कहाँ जाकर देखूं, मेरे को बताओ कहाँ जाकर देखूं। तो मेरे सान, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे लल्ला, तुमको रेफरेंस दिया ना, ये शिवलिंग देखो, ये तुम्हारे बुद्ध के पैदाइश से प्राचीन है, यानी कि तुम्हारे बुद्ध की मूर्ति के पैदाइश से प्राचीन है। तुम्हारे बुद्ध की मूर्तियां अभी संसार में बननी शुरू नहीं हुई थी, उससे 300 वर्ष पहले ही हिंदुओं ने शिवलिंग स्थापित करके और उसको पूजने की परंपरा शुरू कर दी थी। तुम पूछ रहे थे कि कोई प्रमाण दिखाइए हमको, कहां जाएं देखने के लिए, हम गुजरात में अभिलेख देख के आए हुए हैं। तो मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे मुन्ना, तुम चले जाओ लखनऊ। अरे बाबू अरे तुमको है लखनऊ में, मिला था कहां से? अरे जाके लखनऊ में जाके देखो ना, म्यूजियम में पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, भीटा उत्तर प्रदेश से मिला था। हां मंदिर था वहां, यही था सर, जॉन मार्शल को बस यही पड़ा हुआ मिला था जी, सिर्फ लिंक पड़ा हुआ मिला था, वो ले लिया। चीजें इसके साथ मिली थी, लेकिन आप लिंक का प्रमाण दे रहे हैं तो लिंक ही दिखाएंगे ना, और कुछ थोड़ी दिखा देंगे। तो इसको भी आप बोल रहे हैं कि इसमें आपने ये छेड़छाड़ कर दी, ये कर दी, बुद्ध ने मैंने कहा बोला कि इसमें छेड़छाड़ कर दी, मैंने ये नहीं बोला। बोल रहे हो किसने बोला यार, तुम पागल हो गया पूरे के पूरे। हम ये कह रहे हैं कि छेड़छाड़ तुम लोग कर रहे हो कि शिवलिंग का जो अस्तित्व है वो बुद्ध की मूर्तियों में आने से पहले से है, यानी कि बुद्ध की मूर्तियां भी नहीं बनी थी, उससे बहुत पहले से ही शिवलिंग के साक्ष्य मिलते हैं। तो फिर ये कहना कि नहीं शिवलिंग जो है असल में स्तूपों का नकल है या फिर बुद्ध की प्रतिमाओं का नकल है, ये गलत बात है। प्लीज इसमें छेड़छाड़ की बात हमने कब बोली, इसमें कब छेड़छाड़ की बात हमने बोली? तुमने पूछा कि हम कहां जाकर के देखें, तो तुमको मैं बता रहा हूं, ये पंचमुखी लिंगा है, ठीक है, भीता उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था 2nd century BC में, स्टेट म्यूजियम लखनऊ में ये पड़ा हुआ है। तुम कह रहे थे ना कि जगह बताओ मैं जाकर देखूं, तो ये लखनऊ म्यूजियम में पड़ा हुआ है, तुम जाकर के शिवलिंग के दर्शन करो बच्चे, तुमको तुम्हारे असली बाप के दर्शन होंगे, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाप की पैदाइश से पहले ये पैदा हो चुके थे। तुम्हारे बुद्ध से प्राचीन तो एविडेंस दिया ना, तुम्हारे बुद्ध की मूर्तियों के अस्तित्व में आने से 300 वर्ष पहले का रेफरेंस दे दिया मैंने तुमको, क्या चाहिए तुमको? तुम्हारे से पहले एग्जिस्ट करते हैं हम, तुम्हारे से पहले, तुम्हारी पैदाइश से पहले हम हिंदू इस भारत में सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और क्या चाहिए, बाप है हम। एक तरफ तो ये दोगला कहता है कि मुझे बुद्धिस्ट मतलब नहीं है, जहाँ बुद्ध की बात चलती है या मूर्तियों की बात चलती है ये बुद्ध को ले आता है, तो कोई देखने वाला यहाँ बेवकूफ नहीं है, समझे ना, सब समझ रहे हैं कि कौन सिकंडी बन के आता है छुपकर। और ऐसे ये जार्विस है, ये जार्विस का चेला है, ये जार्विस पांचाली है। हाँ ये जार्विस पांचाली है।